हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम बहुत ही अमेजिंग प्लेस में आए हुए हैं और ये पूरा कंपनी का ऑफ साइट है। कंपनी ने प्लान किया है पूरा अच्छे से ही। तो आज जो हम जगह दिखाने वाले हैं आपको, उसका नाम है निमराना फोर्ट पैलेस। ये दिल्ली से करीबन 150 किलोमीटर दूर है और 3-3.5 घंटे लग जाते हैं यहाँ आने में। और मैं वीडियो यहाँ से शुरू नहीं करूँगा, मैंने सोचा आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट से आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते। तो वहाँ से देखिए और फिर यहाँ आते हैं वापस। हेलो दोस्तों, तो जैसे आप पीछे देख सकते हैं मैं पहुँच गया हूँ कनॉट प्लेस। तो फिलहाल आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं निमराना फोर्ट पैलेस। तो ये कंपनी ऑफ साइट है, कंपनी ने मिलकर प्लान किया और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। जो जानते हैं जो नहीं जानते, बहुत ही अच्छी जगह है। वो पूरा पैलेस आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का। हम दोस्तों ने प्लान किया था कि यहाँ पे मिलेंगे और यहीं से सीधा चलेंगे। फिलहाल उनका वेट हो रहा है, यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, बातें होंगी और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। तो हाँ, चलो फिर वहाँ पहुँच कर आपको और भी चीज़ें शेयर करते हैं। तब तक ये वीडियो एंजॉय। दोस्तों, प्लान में थोड़ा चेंज, मेरे बाकी दोस्त जा रहे हैं उस बस में और मैं जा रहा हूँ इन दोस्त के साथ कार में। तो ये कार अभी पार्क करेंगे, फिर यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं और साथ में। Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning. You and I. तो 3 घंटे की राइड के बाद ये जब बोर्ड दिखा हमें निमराना फोर्ट पैलेस का, तो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने गाड़ी यहाँ पार्क की और सामने का जो व्यू है इतना औसम था कि सारी थकान दूर हो गई उसे देख के। आपको भी दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखता है इनके पार्किंग के पास से व्यू, जो कि बहुत ही मेजेस्टिक लगता है। अब हम सीधा जा रहे हैं रिसेप्शन की ओर, वहाँ पर हम लोग चेक इन करेंगे एंड वहाँ पर अपनी रूम कीज लेते हैं और फिर लंच करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। दोस्तों, ये रिसेप्शन है, यहाँ हमने आधार कार्ड दिया और अपना और रूम कीज ली। इसके बाद रूम पे जाते हुए यहाँ पे जो गलियाँ थी और जो चीज़ें रखी हुई थी, इतना एथनिक और इतना अच्छा लुक दिया था इनको, जो एक्सपेक्टेड होता है कि एक पैलेस ऐसा होना चाहिए, उस पर ये पूरा खड़ा उतर रहा था। और वी वर रियली वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। फिलहाल मैं अभी रूम के तरफ जा रहा हूँ और आपको जल्दी से एक क्विक रूम टूर देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो मैंने अगले दिन शूट किया क्योंकि पहले दिन मैं भूल गया था शूट करना, बट आपको अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, अभी डे 2 है और मैंने अभी तक अपना रूम टूर नहीं दिया, तो सोचा अभी आपको रूम टूर देता हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 70-80 कमरे हैं और सबको महल की तरह सजाया हुआ है और नाम दिया हुआ है सबको। तो हमारा जो रूम है उसका नाम नीलम है और हमारे रूम को जहाँ पे रखा है शायद यहीं से स्टार्ट हुआ था ये, जब इस महल का नींव रखा था। तो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जहाँ चेयर टेबल है वहाँ पर इसको नींव रखा गया था। यहाँ पे उनकी कुल देवी है, इनका मूर्ति भी है यहाँ पे। तो यहीं से स्टार्ट हुई थी सारी चीज़ें और यहाँ से बिल्ट होना शुरू हुआ था। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत इंफॉर्मेटिव भी था। बाकी मैं अभी आपको रूम टूर दे दूँ। दोस्तों, ये नीलम महल है और यहाँ से आप एंट्री लोगे। ये आपको बहुत ट्रेडिशनल इन्होंने डोर बना के दिया है, डबल डोर है जाली वाला और फिर ये एंट्री। ये रूम आ गया हमारा और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिलहाल फायर एक्सटेंशन भी है अंदर और यहाँ पे कैटल है, चाय वाय पीनी है तो उसके लिए सारी चीज़ें, वैराइटीज़ के टी बैग्स रखे हैं तो वो चीज़ें। बहुत अच्छे अच्छे फोटोज़ डाल रखी थी इन्होंने, मैंने रात को देखा, इट वॉज रियली नाइस। उसके बाद सेफ भी है आपका यहाँ पे एंड फिर नीचे अगर देखें फ्रिज भी दे रखा है, मिनी फ्रिज है, मिनी फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स है। उसके बाद इधर देखें तो ये आपका रूम है, दो बेड लगा रखे हैं, यहाँ पे दो लोग सो सकते हैं फिलहाल। और अगर आप सोचते हैं कि आपका मास्टर बेडरूम है तो वो आप गलत है, आपको मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। तो आप ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ से नीचे भी जाना है, यहाँ से नीचे चलते हैं और ये है मास्टर बेडरूम आपका। यहाँ पे एसी भी दी हुई है, वेंटिलेशन है अच्छी खासी और बहुत मज़ा आ रहा रात को सोने में। और अच्छी पेंटिंग भी लगा रखी है। तो कुछ ऐसा दिखता है रूम, थोड़ा मैसी है बट कोई बात नहीं। तो बस इतना ही है रूम में, अब यहाँ से चलते हैं ऊपर।
तो उसके रूम के बाद ये आपका बाथरूम है जो कि बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ये आपका बाथटब दिया हुआ है यहाँ पे बड़ा सा, एंड उसके बाद इन्होंने डेंटल किट, शावर जेल, सारी चीज़ें जो टॉवल्स होती हैं सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ये मिरर है। उसके बाद अलमीरा में अगर देखे तो इन्होंने गाउन दिया हुआ है, स्लीपर्स हैं, ये सब यूज़ कर सकते हो आप, टॉवल्स हैं। तो हाँ, कुछ फिलहाल ओवरऑल ऐसा दिखता है आपका। बस यही था रूम टूर। में सामान रखने के बाद हम जल्दी से लंच करने गए, क्योंकि लंच के लिए हम ऑलरेडी लेट हो गए थे और सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे। तो हम जल्दी से निकले अपना लंच करने के लिए, और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया लंच में कि क्या डिशेज एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो ऑलरेडी बंद होने वाला था। तो पूरा फोकस खाने पे था हमारा। बट अगर मैं खाने के बारे में बताऊँ, लंच के बारे में बताऊँ, तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस थे खाने में, या फॉर वेज भी, फॉर नॉन वेज भी, और इतने तरीके के डेजर्ट थे। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और बहुत वेल हाइजीनिक और मेंटेन था यहाँ पे। वगैरह हो गया हमारा, अब हम जाते हैं, यहाँ थोड़ा फोर्ट है उसकी सी साइटिंग करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। फिलहाल इतना बड़ा फोर्ट है ये, पता नहीं कितना कवर कर पाएंगे, बट हाँ ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये सारी चीज़ें। दोस्तों, इस फोर्ट की सबसे अच्छी बात कि ये आपको फ्री गाइड देते हैं, जो 20 मिनट आधा घंटा आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है, ये कब बना, क्या क्या हुई चीज़ें। तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और जिसको हिस्ट्री पसंद है उसको ये टूर बहुत पसंद आएगा। फ़िलहाल मैंने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया और एक बहुत अच्छा सवाल पूछा जो सब जानना चाहते हैं कि क्या ये फोर्ट हॉन्टेड है। तो देखिए इसका जवाब क्या मिलता है आगे। दोस्तों, ओवरऑल ये प्लेस बहुत सेफ है। मैं यहाँ पे 2 दिन रहा और बहुत मजे किए यहाँ पे। बाकी कुछ कुछ जगह यहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ आपको किसी चीज की प्रॉब्लम होगी। देखिए सर, मैंने जो फोटो में आपको दिखा पा रहा था, ये येलो कलर का सारा ओरिजिनल एप्लीकेशन का बना हुआ है। जो मैं नेगेटिव भी आपको बता रहा हूँ, तो अभी यार ये मैं बता देता हूँ सर, ये येलो प्लस्टर लगा हुआ है, ये राजाओं का किला बना हुआ है, जो 1464 में पृथ्वीराज चौहान के वंशज आए थे, राजा राजेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने ये बनाया था। यहाँ पे लास्ट के राजा हैं वो राजेंद्र सिंह चौहान रहे हैं, जो 1942 तक इसके लिए, इसके बाद वो यहाँ से मूव करके जो उन्होंने सेकेंड अपना रहने का बना रखा था वहाँ पर वो शिफ्ट हो चुके हैं। सिंडोला पुराना नाम नहीं है, बाद में रखा गया। यहाँ पर कुछ नाम है जो पुराने पार्टी के, अभी तक सारे नाम जगह के हिसाब से और उसके डेकोरेशन के हिसाब से रखा। ये जो जगह है इस जगह का नाम सिंडोला रखा। सिंडोला रास्ता में पहले हर किले के अंदर दो पार्ट होते थे, जनाना एंड मर्द। लेडीज जेंट्स पार्ट, तो उस टाइम में ये दीवार क्लोज थी। इधर वाला जितना भी पार्ट है जनाना पार्ट था, यहाँ से लेकर आगे तक मर्द मतलब औरतें वहाँ रहती थी। राजाओं का सामने का सिटिंग राजा का, बाकी की क्योंकि खास खास निजी लोग यहाँ पर बैठते थे, वो जो मिट्टी वाली जगह वो काम यही कॉमन पब्लिक के लिए। सबसे पहले इसी पार्ट की नींव रखी थी, उसके बाद में जैसे जैसे उनकी जनरेशन बढ़ती रही उसी हिसाब से पार्ट को नीचे की ओर बढ़ाते रहे। तो ये सबसे पुराना पार्ट है 1464 की ईस्वी की। ओल्ड कोर्ट हम यहाँ रहते हैं। दोस्तों, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से जो व्यू था इतना अमेजिंग था, तो सोचा आपको 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू दिया जाए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव टूर गाइड ख़त्म होने के बाद हम लोग आए यहाँ पे चाय पीने।
हाई टी का टाइम था और ये जगह बहुत ही लाजवाब, इसे बोलते हैं हवा महल। तो यहाँ पे हम बैठ के अपना चाय पानी करते हैं और यहाँ सारे दोस्त पहले ही बैठे हुए और आनंद उठा रहे हैं यहाँ टी का। फिलहाल दिखाते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें थी हाई टी पे। तो स्नैक्स में बात की जाए तो वहाँ थी दाल के पकौड़े, थोड़े बिस्किट्स, केक्स और तो जूस भी था। उसके बाद चाय कॉफ़ी तो वहाँ पे थी और चाय बहुत ही अच्छी बनी थी इनकी, बहुत कड़क और अच्छी लगी मुझे। तो हाँ, ये सब चीज़ें हमने इन्जॉय किया। चाय पीने के बाद हम आए टेरेस पे और इसको हवा महल इसलिए कहा जाता है शायद क्योंकि ये इतना ठंडी जगह थी और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी यहाँ पे। फिलहाल मैं ऊपर टेरेस से आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। और यहाँ बात की जाए, हर एक जगह की अपनी अपनी एक बात थी। यहाँ से देखेंगे आप व्यू इतना अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी हवा के बीच इतना सुकून लग रहा था। तो मैं बोलूँगा आप कहीं पर भी चले जाए, आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज़ें पक्का दिखेंगी। सर दोस्तों, हम तैयार हो गए अपने एथनिक वेयर में। तो अभी यहाँ फॉक डांस होने वाला है, एक घंटे वो एंजॉय करेंगे। तो हाँ, अभी नीचे चलते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर। तो शाम को ये फोर्ट आपके लिए एक डांस प्रेजेंट करता है जिसमें आपको तरीके तरीके के आर्ट फॉर्म दिखाते हैं। ये तकरीबन 45 मिनट एक घंटा चलता है, आप इसको ज़रूर अटेंड करें, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। फिलहाल यहाँ खाने की भी बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जूस तरीके के। अरे यार कोई कॉल भी है, वीडियो बना रहा हूं, वो भी तो बजा रहा है, चेंज करने वाला हूं फिर तो है। दोस्तों यहाँ पे आप चीज़ें कस्टमाइज भी करा सकते हैं। अगर आपका ग्रुप इवेंट है तो आप यहाँ पे आइए और अपने चीज़ें प्लान कर सकते हैं। जैसे कि हमारी टीममेट्स ने हमारे लिए थोड़े से ग्रुप सॉन्ग्स और बीट बॉक्सिंग हिप हॉप का थोड़ा सा इवेंट प्लान किया था, वो आप ज़रूर देखिए, आपको भी अच्छा। दोस्तों आपने देखा ही हमने कितने सारे अमेजिंग चीज़ें की। फिलहाल रात के 3 बज रहे हैं और हम अभी इस कमरे में आए हैं क्योंकि किसी को नींद नहीं आ रही, सब इंटरेस्टेड है, सब मज़े कर रहे हैं। तो हमने सोचा यहाँ पे भी एक जैम सेशन हो जाए, तो वो आगे देखो छोटा सा जैम सेशन हमारा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30। हम लोग सोए थे तकरीबन 3:30 बजे तक और बहुत मज़े किए, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ की रात भर बैठ के, तो अच्छा था। फिलहाल नेक्स्ट डे और अभी जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, अभी 8:30 हो रहा है, 11 बजे चेकआउट करना है। उससे पहले अगर कुछ और चीज़ें होती है तो बता दो।
तो दोस्तों यहाँ आए हम ब्रेकफास्ट करने सुबह सुबह। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे। पहले ये लाइफ काउंटर है आपका, यहाँ पे आपको अंडे, ऑमलेट्स, साउथ इंडियन थोड़ा डोसा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी लाइव यहाँ पे। यहाँ पे आपको डेटॉक्स ड्रिंक, वाटरमेलन जूस, छाछ, ये सारे बटर मिल्क मिल जाएंगी। और यहाँ पे चटनी देख रहे हैं आप, यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा ब्रेड जो टोस्ट कर सकते हैं, और बहुत तरीके के चीज़ है साइड में रखी हुई है आपकी चाय कॉफ़ी। आप यहाँ आइए, ऐड करिए शुगर अपने हिसाब से और भी आनंद उठाइए उसका। फिलहाल यहाँ पे बताऊँ तो आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं, आपको बहुत तरह के केक्स है, डोनट्स है, स्वीट्स मिल जाते हैं। बात किया जाए मेन कोर्स में तो आपको नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, ये सारे टच मिलेंगे यहाँ पे। पराठे से लेके इडली सांभर से लेके पोहा से लेके अंडे से लेके फ्रेंच बीन्स से लेके ये सारे डिशेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर यहाँ आइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, बहुत मज़ेदार और डिलीशियस होता है यहाँ का ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों टाइम आ गया इस प्यारे से कमरे को बाय बाय कहने का। तो बस अब पैकिंग कर ली है, जा रहे हैं चेकआउट करने। यहाँ से चेकआउट करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और सीधा दिल्ली वापस। तो हाँ बस इतना सही था, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, टाटा बाय।